उत्तर भारतीयों को अपराधी कहने वाले राज ठाकरे माफी मांगो या फिर वापस जाओ का आंदोलन चला रहे कैसरगंज के भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्तर भारतीयों का मनोबल बढ़ाने के लिए शनिवार को जनपद में आगमन हुआ। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि 5 जून को राज ठाकरे ने अयोध्या में आने का ऐलान किया था, लेकिन विरोध को देखते हुए राज ठाकरे ने अपने आने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, लेकिन राज ठाकरे का विरोध जारी है। राज ठाकरे ने अपना 5 जून का अयोध्या का दौरा स्थगित किया है, लेकिन अभी तक माफी नहीं मांगी है। भाजपा सांसद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 5 जून को राज ठाकरे चरण सिंह एयरपोर्ट से बाहर अपना पैर नहीं रख पाएंगे। अगर वह ट्रेन से आएंगे तो उन्हें उसी ट्रेन से वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं पहले राम का वंशज अयोध्या का वासी हूं, फिर उत्तर भारतीय हूं और भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं। उन्होंने कहा, 5 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन धूमधाम तथा रीति रिवाज के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे इस बयान पर कभी भी किसी ने मुझे मना नहीं किया है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में सुरक्षित हैं। उत्तर भारत के लोग मुंबई में बड़े ही दमदारी के साथ रह रहे हैं। इस अवसर पर ईश्वर चंद जायसवाल, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह, शुभम मिश्रा, मनीष सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैसरगंज के भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, आप लोगों से निवेदन है, नेताजी के स्वागत में स्वागत करें, जो नाम तालियों से स्वागत करें नेताजी का। आगू पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ, चलिए ठीक है। सांसद जी पीछे दब जा रहे हैं, थोड़ा चीज़ सांसद जी को आगे बुलाइए, सांसद जी को आगे बुलाइए। कर्मा बाबा ये इधर इधर घूम जाइए, मनीष भैया आगू भी इधर घूम जाइए, इधर इधर घूमिए, इधर अवैध नाम जी के नाम से जानी जाती है।
सही बाबू सिंह के नाम से जाने जाते हैं। और अगर हम थोड़ा ये बनाते हैं तो मुझे रविंद्र सिंह की याद आता है। शीतल बाबा का याद आता है, यहीं पर कहीं गंगा यादव बैठे होंगे, गंगा यादव हाथ उठा दो इन्हीं के कहने पर एक कथा सुनाता हूं। ये गुड्डू जायसवाल चाहते थे कि मेरा एडमिशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाए, अब हम भी इनके जाल में फंसे थे। तो गंगा यादव मेरे घर गए तो एक दिन जब इंटर के बाद मैं एडमिशन ले रहा था तो ये बोले कि बाबू जहाँ तक हम समझ रहे आप नौकरी नहीं कर रहे, आप राजनीति में जाने चाहते हैं, इनका नाम है तो कहने की चार साल तो आप मेहनती के लिए, और अगर चार साल आपका और बीत जाएगा क्या और गया तो तो आपको आपने आपके इलाके में कोई पहचानेगा नहीं, आपको आपके इलाके में कोई पहचानेगा नहीं, तो अगर राजनीति करना है तो आप तुरंत अपने घर जाइए और इनको मैंने गुरु बना दिया। उनका कहना मान करके मैं पिछले वर्ष में बैठ गया, किसी से भेंट नहीं किया। और आज कहां पर है वो आप देख रहे हैं, उसमें एक डॉक्टर यादव हमारा गुरु है। देखिए भाइयों बहने कहने का तात्पर्य ये आप सब लोग जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में कक्षा आठ के बाद मुझे मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा, सब कुछ राणा सिंह की याद आ जाती है, मनोहर सिंह की याद आ जाती है, जेल में हम लोग इस बार बंद के चोरी करवाने कांड में कर याद आ जाती है, बड़ी याद है। लेकिन भाइयों में विशेष बात, एक दिन मैंने देखा राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते हैं और आने के पहले यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से भी भेंट करेंगे। मैं 2008 से राज ठाकरे को खोज रहा था, उनका गुस्सा खेला वालों पर निकलता है, उनका गुस्सा विद्यार्थियों पर निकलता है, उनका गुस्सा टैक्सी वालों पर निकलता है। ऐसा नहीं है, आज भी उत्तर भारत के लोग मुंबई के अंदर बड़ी मजबूती के साथ रहते हैं, राज ठाकरे की हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश की, बड़ी मजबूती के साथ रहते हैं। कमजोर लोगों पर निकलता है, ये निकल इसलिए कहा कि कुछ लोगों ने उससे प्रश्न किया कि अब क्यों और तब क्यों नहीं, मैंने कहा अब क्यों, मैं उसको 2008 से खोज रहा हूं लेकिन वह चूहा है, एक दरबे के अंदर रहता है, मुंबई से कहीं निकलता नहीं है, पहली बार स्वागत की तैयारी कर रहा हूं और मैंने तुरंत ट्वीट किया कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते तब तक उनको अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा। राज ठाकरे
मैं इस विषय में किसी नेता से बात करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मैं पहले उत्तर भारतीय हूं, पहले राम का वंशज हूं, फिर उत्तर भारतीय हूं, फिर भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, और ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है। इस आंदोलन से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मेरी एक छोटी सी मांग है, यदि तुम राम भक्त बनना चाहते हो, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया हो चुका है, तुम महाराष्ट्र के नेता बनना चाहते हो, राम का सहारा लेकर के बनना चाहते हो, तो महाराष्ट्र के क्यों ही मत क्यों बनते हो, देश के नेता बन जाओ। लेकिन माफी मांगो, हम माफी नहीं मांगोगे तो आने नहीं देंगे। में हमारा देश आजाद था, बाबा साहब अंबेडकर की देखरेख में संविधान लिखा गया, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर के एक जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जहां पर धारा 370 लागू हुआ, कुछ विशेष व्यवस्थाएं दी गई, लेकिन हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाषा के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं होता। तो हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, धारा 370 लागू थी जम्मू कश्मीर के अंदर। एक समय था पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बदलाव होता है, और तब से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इससे जुड़े हुए संगठन एक नारा लगाते थे कि जहां का कभी भी खराब हो सकता है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है, दौरा स्थगित किया है। नहीं, मेरा तो 5 का जो संकल्प है उसको मैं पूरा करूंगा, और आप देख रहे हैं आज मैं गोरखपुर में हूं, अभी संत कबीर नगर पड़ोसी जिला है, कल मैं देवरिया में हूं, फिर हमारा एक जिला और है पड़रौना उसमें हूं, और उसके बाद अभी तो बहुत बाकी है, मथुरा में हूं, काशी हूं। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो वो बहुत अभागे पुरुष कहे जाएंगे। अच्छा, अभागा आ जाएंगे, आपको लगता है आ जाएंगे? चरण एयरपोर्ट के बाहर नहीं रख सकते हैं, अपना पैर एयरपोर्ट के बाहर से नहीं रख सकते हैं, और अगर किसी ट्रेन से आ गए तो उनको उसी वापस उसी ट्रेन से जाना पड़ेगा। अब यही देख लीजिए क्या करेंगे, अब तो नौवा रे नौवा कितना बार आ जाएगा सामने। अब नहीं तो आपसे हमारे पार्टी के किसी नेता ने फोन करके कहा कि बृजभूषण सिंह गलत कर रहे हैं? किसी नेता ने? किसी नेता ने हमारा विरोध किया? किसी नेता का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, जैसे नड्डा जी ने या जो भी आप समझते हो प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, किसी ने हमको फोन किया कि आप यह क्या कर रहे हो? हमारा फोन नंबर नहीं है उनके पास, फोन नंबर तो होगा ना। मैं कह रहा हूँ किसी ने मेरे को फोन किया, या आपको अन्यथा मत लीजिए कि आपको किसी ने बयान दिया कि उसको ठीक करना है हमको, मतलब कर रहे हैं। अरे तो हम कौन सा पाप कर रहे हैं यार? मैं पहले राम का वंशज हूँ, अयोध्या वासी हूँ, फिर उत्तर भारतीय हूँ, फिर भारतीय जनता पार्टी सांसद हूँ। वो जानते थे कि वो नहीं आएगा, इसलिए उनके मुँह से निकल गया, सुपारी खाते हैं ना, नशे में बोल गए, इसीलिए बोले नशे में बोले, एक बार वो सुपारी, एक बार सुपारी फंस गई थी नशीली, उसी में बोल गए अपनी पार्टी के साथ। अरे नशे में आदमी कुछ भी बोल सकता, सुपारी यार खवाओगे वो अली बेहोश हो जाओगे, दोबारा नहीं बोले। हो सकता है कल उस जनसभा में माफ़ी मांग लें, जब अनुमान है तो अनुमान माफ़ी भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। अच्छा, उनका इंतजार कर। जी जी जी, इस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। नहीं, मैं उनसे
सोचता था कभी मिल जाए उनसे बातचीत करूं कि भाई आप क्यों ऐसा करते हैं पहलवानी की भाषा में। हाँ हाँ सब भाषा में तय कर चुका था लेकिन मिला नहीं, मजा नहीं आया। पक्का होता तो अभी अगर वो अब समझ जाओ सारा अभी अगर वो माफी मांगते हैं हमसे नहीं मांगना है। माफ़ी मांगे वो मोदी जी से, माफ़ी मांगे योगी जी से, माफ़ी मांगे संतों से, माफ़ी मांगे उत्तर भारतीयों से, मुझसे नहीं मांगना है। अभी तो वो मारा है क्या नाम है काला जंग, कल काला जंग मारा है, उसमें सीधे वाईफाल होता है। अब आगे जैसा करेंगे उसे देखा जाएगा। 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। हाँ जून मनाए तरीके से कह रहे हैं अयोध्या में पूजन पाठ करेंगे, बहुत वैदिक रीति रिवाज के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। भी आपके जो आप ये अभियान चला रहे हैं उसके समर्थन में है। अब आप ये बात उन्हीं से पूछ लीजिएगा, मुझको मना तो नहीं किया नहीं मुझको मना तो नहीं किया उन्होंने मुझको मना तो नहीं किया उन्होंने गारंटी साथ कहता हूँ नहीं मना किया। योगी जी ने मुझको नहीं मना किया, गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, बिल्कुल सुरक्षित है सर। ऐसा बिल्कुल सुरक्षित, ऐसा कुछ बैनर भी लगाए गए हैं कल राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से कि अगर इस तरह से गांधी अगर फैलती है हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं। वो समय था कांग्रेस ने उनको सिक्योरिटी दे रखा था, शिवसेना को कमजोर करना था, सिक्योरिटी दे दिए थे और तब वो करते थे, आज वो हैसियत नहीं है। उत्तर भारत के लोग बड़े दमदारी के साथ रहते हैं और चिंता मत करिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी टाल लेंगे, परेशान मत होइए।